बेटा हम आप सत्तवीं क्लास का अध्याय 12 की अभ्यास 12.3 का सत्तवां सवाल करन जा रहे हैं। बेटा ध्यान देखना सारा ने, बहुत ही सौखे ढंग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बेटा जेकर मेरे चैनल है तो सबसक्राइब नहीं किया तुहाडे वल्लों तो जरूर सबसक्राइब कर दिओ, तो मैं जरूर कमेंट कराया करो बेटा कि तुहानू मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है। इन्हां व्यंजकां नू सरल करो अते इन्हां दे मुल भी पता करो। बेटा पहला उसने सरल करो की गल की है ना, तो पहले आप सरल ही करा कि लाइक टर्म्स समान पद देखने ना, एक्स वाली रकम के नाल एक्स वाला देखो मैं तुम्हें किसी किसी तरह कुछ ना लिखे हो तो असं अपनी मर्जी एक लगाना होंगे, ठीक है। हुण एक्स वाले नाल एक्स वाली जोड़ घटाओ करनी है, पर जोड़ घटाओ हमेशा किहड़े हुंदे ने, गुणाक हुंदे ने। तीन कि प्लस का कुछ ना साइन हो गया तो प्लस लगता ना, हुण तीन प्लस का आ तो एक माइनस का है, प्लस माइनस माइनस किन्ने रह गए दो, वड्डे का मान मतलब वड्डी का चिन्ह प्लस का लगता है नाल की लगेगा एक्स। आई गल समझ बेटा कि असी किस तरीके ने एक्स वाले हल किया है। हुण अपने बगैर एक्स वाले देखिए, पांच माइनस का है तो नौ प्लस का है, यह भी प्लस माइनस है, प्लस माइनस माइनस होंगे ने, तो बचा चार पर वड्डे का मान किया प्लस का चार आया। ये साडा बेटा सरल करो हो गया, इन्ना सौखा बेटा। सरल करो का मतलब है समान पदों वाली रकमों हल करना। हुण उसने सानू की कहा है, हुण कहिंदा कि इहदे विच की भरना है, आप एक्स नू कहिंदा है तीन भरो, ए नू कहिंदा है माइनस एक भरो, तो जे बी बच गया ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਦੋ ਭਰੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੀ ਐਕਸ ਹੈ ਬਸ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਐਕਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦੋ ਐਕਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਚਾਰ, ਛੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਦਸ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, सरल करना है, फिर तुसी वैल्यू जिहड़ी जे इत्थे एक्स है तो एक्स भरांगे, ए हुंदा तां ए भर लैंदे ते बी हुंदा तां बी भर लैंदे, साडे कोल जिहड़ी रकम पई असीं उह भर देणी है। हुण अगला सवाल देखो बेटा, एक्स वाली रकम नाल हल करना है, अठ माइनस का है तो चार प्लस का है, प्लस माइनस माइनस बचे चार नाल तां एक्स लगना ही लगना है, पर वड्डे का मान मतलब साइन माइनस का लगेगा। हुण बगैर एक्स की रकम है दो ते चार, चार ते दो छे हुंदे ने, ते आपां जोड़ के छे, इह तुहाडा इस सवाल का आंसर भी आ गया। पर हुण इस सवाल दे विच असीं भरना की है, असीं इहदे विच एक्स नूं भरना है क्योंकि साडे कोल एक्स है तो वह है तीन, तो की आंसर आने लगा है देखो ध्यान नाल, माइनस चार एक्स की थां असीं तीन भर लिया है, जमा छे। ध्यान नाल देखना बेटा, जो आंसर आ जाता है फिर एक्स नहीं लिखना, एक्स की थां असीं वह वैल्यू भरनी है, चार ती है बारह, माइनस के बारह प्लस के छे। हुण तुसीं सब जानते हो कि जे एक रकम प्लस की होवे तो एक रकम माइनस की होवे तो प्लस माइनस माइनस हुंदा है, तो बारह चो छे गए छे, वड्डे का मान मतलब माइनस का चिन्ह, साडा आंसर आ गया माइनस छे। है ना सौखा। हुण तुसीं देखियो ए वाली रकम दे नाल ए वाली हल हुंदी है, तीन दे मोहरे कोई साइन नहीं तो प्लस होवेगा, तीन प्लस का तो अठ माइनस का, बेटा प्लस माइनस माइनस वड्डे का पांच बच गया, वड्डे चो छोटा घटा के ए नाल लिखेंगे तो वड्डे का मान मतलब साइन वड्डे का लगेगा। हुण अगला देखो, पांच प्लस का है तो एक भी प्लस का है तो दोने प्लस के छे हो गए, ये तुहाडा इस सवाल का आंसर आ गया। हुण इस आंसर दे विच देखो साडे कोल ना एक्स है ना ए हैगा ना बी भी है नहीं, ए हैगा तो ए का मुल है माइनस एक, तो इतने असं ए बराबर माइनस एक भरन जा रहे हैं। ध्यान नाल देखोगे तुसीं सारे, माइनस पांच ए की थां असी ब्रैकेट लगानी हुंदी है तो उस ब्रैकेट दे विच ए की वैल्यू नूं भरना हुंदा है, ठीक है ना। हुण पांच एकम पांच गुणा हो गई, जिवें कि दस्सिया सी जो दो रकमां नूं असी गुणा करदे हाँ तो जे उहनां कोल दो माइनस दे निशान ने वह प्लस बन जांदे ने, तो प्लस दा छे साडे कोल पहलां वी पिया सीगा। हुण दोवें रकमां बेटा प्लस दीआं हो गईआं ने, तो प्लस प्लस तां प्लस हुंदा है, इस करके साडे कोल आंसर आ गया है प्लस दा ग्यारह, ये साडा इस सवाल का आंसर हो गया। इस तरह साढ़े पहले तीन भाग बेटा बहुत ही वधिया तरीके खत्म हो गए ने। अगला भाग देखो सारे, हुण इस भाग दे विच साढ़े कोल देखो की है, बी वाली रकम है तो बी वाली रकम है, दो ही माइनस दियां ने, माइनस माइनस प्लस हुंदा है, पांच ते तीन अठ भी हो गए, वड्डे का मान माइनस का निशान लग गया, दस ते चार, दस बेटा प्लस का है क्योंकि कोई साइन ना हो प्लस का साइन मनिया जाता है, दस प्लस का है, चार माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो वड्डे के छोटी कटाई छे, वड्डे का मान किया तो प्लस का निशान, ये साडा इस सवाल का आंसर आ गया। पर हुण साडे इस सवाल दे विच बी की वरतों हो रही है, तो बी का मूल सानू दिता गया है माइनस दो,
क्वेश्चन दे विच और असीं जिथे जिथे बी आ उत्थे माइनस दो करांगे। ध्यान देखियो माइनस ते अठ फिर बी दी थां ब्रैकेट जमा छे, सारा क्वेश्चन सेम उतार लेना है, बी दी थां ब्रैकेट पा लेनी है ते उस ब्रैकेट दे विच वैल्यू भर देनी है बी दी। अठू दूनी सोलह, दो माइनस बन जाते हैं प्लस, तो प्लस दे छे तो पहले ही पे सके, हुण दो रकम बेटा प्लस दियां होण तां प्लस 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 हुंदा है, साडे कोल आंसर आ गया है बाई, जो कि इस सवाल का आंसर होएगा। अगला भाग देखो बेटा, हुण साडे कोल ए वाली रकम दो नहीं, देखो इहदे अगे एक लगा दिए, दो भी दो ए भी प्लस का एक ए भी प्लस का, टोटल हो गए तीन ए, माइनस दे दो बी ते माइनस चार माइनस पाँच हो गए माइनस दे नौ, ये साडा इस सवाल का आंसर आ गया है बेटा। हुण इहदे विच बेटा ए भी है ते बी भी है, ते ए दा मूल तां तुहानूं याद ही होएगा असीं भरिया सी माइनस एक, ते बी दा मूल हुणे हुणे भरिया सी माइनस दो, इस सवाल दे विच दित्ता गया बेटा सानूं पहलां ही, देखो ए जिहड़ा है माइनस एक है ते बी माइनस दो है, इस सवाल ने सानूं दित्ता होया असीं उही भर रहे हां जिहड़ा सवाल ने सानूं दित्ता सीगा। हुण असीं भरन लगे हां, ध्यान देखियो तीन दी थां तीन लिख लिया, ए दी थां ब्रैकेट माइनस माइनस दो सेम बी दी थां ब्रैकेट माइनस नौ, मेरी गल समझ आ रही है। हुण ए दी ब्रैकेट दे विच ए दी वैल्यू ते बी दी ब्रैकेट दे विच बी दी वैल्यू नूं भरिया गया है, तीन एकम तीन पर एको ही माइनस दा निशान हो के माइनस लगेगा, दो दूनी चार पर दो माइनस दा निशान हो के प्लस लगेगा माइनस दे नौ, तीन भी माइनस दा नौ भी माइनस दा हो गए बारह, माइनस माइनस प्लस हुंदा आ प्लस चार, ते प्लस माइनस माइनस बचे अठ, साइन वड्डे दा साडा आंसर आ गया है माइनस का अठ। इस तरह साडा सत्तवां सवाल बेटा जिहड़ा है वह कंप्लीट हो गया है, हुण आप अठवां सवाल करांगे। ध्यान नाल देखियो सानू कहिंदे जेकर जैड दा मुल दस है तो इस दा मुल पता करना, पहले मैं रकम उतार ली, देखो हुण तुसीं ध्यान नाल देखना है, पहले मैं इहनूं हल करन लगा हां, जैड दे उत्ते घात तीन माइनस तीन गया जैड दे कोल गुणा होने लई, तो की बन गया तीन जैड, फिर तीन गया दस कोल पर माइनस ते माइनस दो माइनस प्लस बन गए ते तीन दस दया ती हो गया, ये साडा सरल हो गया साडा। हुण इस सरल दे विच आंसर आने तो बाद असी जैड नूं की भरना है, सवाल दे मुताबिक असी इहदे विच दस भरना है। हुण जिथे जैड है उत्थे आपां दस भरन लगे हां, देखो जैड दी थां मैं ब्रैकेट लगा ली उपर घात तीन, फिर माइनस तीन जैड दी थां एक ब्रैकेट लगा ली प्लस ती, तुहानूं इह दस्सिया ना मैं कि ब्रैकेट दे विच हुण वैल्यू भरो जिहड़ी तुसीं हुण दित्ती गई है दस, दस की घात तीन मतलब होंगे दस नीन बारी लिखना, यही समझाया गया है ना तू, माइनस तीन दया ती जमा ती, दस 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 गुणा हो गए बन गए हज़ार, माइनस ती ना प्लस ती कट्टे गए तो यही हज़ार थोड़ा इस सवाल का आंसर भी आ गया। कि नहीं सौखा सवाल, देखो पहला असी सवाल नू ब्रैकेट नू हल किया फिर जड नू दस भर के आंसर कट लिया है। हूँ अठवें का दूजा भाग करांगे, ध्यान देखियो अठवें सवाल के दूजे भाग के कहना पी नू माइनस दस भरया जाए इस रकम के, रकम उतार ली है, देखो पी की थां ब्रैकेट लगा ली उपर का दो माइनस दो, पी की थां ब्रैकेट लगा ली माइनस सौ। हुण असी पी की वैल्यू भरन जा रहे हैं, ध्यान देखियो माइनस दस माइनस दस माइनस दस के उपर का दो का मतलब है माइनस दस नू किन्नी वारी लिखना बेटा, दो वारी, दो दया भी ते दो माइनस बन गए प्लस माइनस दे सौ, ठीक है ना, दस दया सौ दो माइनस बन गए प्लस, प्लस दे भी माइनस दे सौ, सौ प्लस दे सौ माइनस दे कट्टे गए तुहाडे कोल बच गया भी, जो कि तुहाडा इस सवाल का आंसर है। कि नहीं सौखा सवाल बेटा, असी बहुत ही सौखे ढंग नाल सवालों नूं हल कर रहे हैं, तुसी एक बार मेरी वीडियो नूं पूरा ध्यान नाल सुन के देखो, बिल्कुल ध्यान नाल, मैं गरंटी लेंदा कि तुहानूं सवाल ना समझ आवे इदां नहीं हो सकता, पर ध्यान नाल सुनना तो बेटा पैना ही है ना, बिना ध्यान नाल सुने तो बेटा कुछ भी नहीं आ सकता। अगला सवाल देखो, हुण एक्स नूं जीरो भरना है, रकम असीं लिख ली है, मुल पांच दे बराबर रखना है जदों एक्स नूं जीरो भरिया जाए, उसने ही कहा ना सानू जीरो भरन ते इस दे मुल नूं पांच दे बराबर रखो, इहदा मतलब हुण आपां एक्स नूं की भरन जा रहे हैं जीरो भरन जा रहे हैं, तो दो ब्रैकेट दे विच जीरो भरिया जाएगा जमा ब्रैकेट दे विच जीरो भरिया जाएगा माइनस ए बराबर है पांच। हुण तुहानूं सारयां नूं पता ही है जीरो वाली रकम जीरो वाली रकम जीरो सारी जीरो होगी, बचा कि सिर्फ माइनस ए बराबर है पांच, तो माइनस नूं उधर भेज दिओ तो ए बराबर है कि आ गया
माइनस पांच आ गया। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए, तो असि ए पता कर लिया बेटा। हुण आपां दसवां सवाल करन जा रहे हैं, ध्यान देखियो सारे। कहिंदा कि व्यंजक दिता गया सानूं दो ए दी दो जमा ए बी जमा तीन माइनस ए बी नूं सरल करो। सरल करो दा तरीका तो तुहानूं पता ही है सारिआं नूं कि दो पहला ए दी दो दे कोल जाएगा दो ए दी दो बन जाएगा, फिर दो ए बी दे कोल जाएगा तो दो ए बी बन जाएगा प्लस तीन माइनस ए बी दे कोल कोई नहीं आता, फिर एक लगाता। हुण तुसीं देख सकते हो कि दो ए बी प्लस का तो एक ए बी माइनस का है, तो जे इसनों असी हल करांगे तो साढ़े कोल एक ए बी बचेगा। दो ए दी दो जमा दो ए बी दे विचों एक ए बी गया तो एक ए बी बच गया प्लस ते तीन, तो ये साडा सरल हो चुका है बेटा। हुण उह कहिंदा कि इहदे विच ए नूं पंज ते बी नूं माइनस ते भरो, तो कोई गल नहीं आपां हुण ए नूं पंज ते बी नूं माइनस तीन भरन जा रहे हां। ध्यान देखना सारा ने, दो ए दी थां ब्रैकेट उपर काट दो जमा ए दी ब्रैकेट ते बी दी ब्रैकेट जमा तीन। हुण ध्यान रखना किहड़ी ब्रैकेट ए दी है, देखो पहला ए दी ब्रैकेट सी ते पंज भरिया, ए दी ब्रैकेट च पंज बी दी ब्रैकेट दे विच माइनस तीन भर लिया है। पंज दी घात दो है तो दो नूं बाद पंज किन्नी वारी लिखांगे, दो वारी, पंजू ती है पंद्रह पर प्लस माइनस माइनस जमा तीन, पंजू दुनी दस ते पंज पंजा जोड़ना नहीं गुणा करनी है ठीक है, माइनस पंद्रह जमा तीन, पंजा चो पंद्रह कटाए पैंती होंगे ने, तो पैंती दे विच बेटा तीन जोड़े तो तुहानू सारयां नूं पता है। इत्थे बेटा बराबरी दा निशान जरूर लगाया करो हर लाइन दे अगे, तो ये तुहाडे कोल आ गया जी अठत्ती इस सवाल का आंसर। इस तरह बेटा साड़ी सत्तवीं क्लास की बारहवें अध्याय की 12.3 अभ्यास कंप्लीट हो गई है। उम्मीद कर रहे हैं कि तुहानू वधिया तरीके नाल समझ आई होगी। जेकर मेरी वीडियो वधिया लगी होवे, मेरा पढ़ाया समझ आ रहा होवे, तो जरूर उसनू लाइक करया करो, वीडियो नू जरूर कमेंट करया करो, तो मेरे चैनल नू सबसक्राइब करना ना भुल्यो।